वैसे ही जैसे आपने इंसर्ट पहले करते थे बस बिगिन वाले ब्लॉक के अंदर, इन केस आप चाहते हैं कि वैल्यूज इंसर्ट हो जाए, इंसर्ट इनटू लिखे हैं, टेबल का नाम लिखे हैं, कॉलम के नाम लिखे हैं, वैल्यूज और फिर जितनी वैल्यूज आपने जितने कॉलम्स के नाम यहाँ लिखे हैं वो वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। ये भी पर्सनल लेक्चर में हमने वैसे भी देखे हैं, एम्प्लॉई आईडी की जगह पे देखे हैं उसने एम्प्लॉईज और सीक्वेंस, एम्प्लॉई वाले सीक्वेंस से नेक्स्ट वाला मांग रही है। सीक्वेंसेस आप लोग खुद एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, कि मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। एक दफ़ा डिक्लेयर कर देते हैं फिर से कहते हैं नेक्स्ट वैल, तो अगली वैल्यू कैलकुलेट करके हर दफ़ा दे देते हैं। ये ऐसे ही है बच्चे, जैसे ऑटो इंक्रीमेंट का MS SQL के अंदर फंक्शन होता है, एक वैल्यू का के ऑटो इंक्रीमेंट करता जाता है, तो नेक्स्ट वैल्यू से अगली वैल्यू निकाल के दे देगा। फर्स्ट नेम सिंगल कोट्स में, लास्ट नेम सिंगल कोट्स में, ईमेल सिंगल कोट्स में, हायर डेट सिस्टम डेट डाल दी उसकी जगह पे, जॉब आईडी में एक ओरिजिनल जॉब आईडी उसके अंदर डाल दी और सैलरी की जगह पे कोई नंबर डाल दिया है। इसके रन करने से आपके टेबल के अंदर एम्प्लॉइज वाले टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। मैम, ये एम्प्लॉय सीक्वेंस डॉट नेक्स्ट वैल जो है ये पूरा फंक्शन है एक? बच्चे ये ना एम्प्लॉईज अंडरस्कोर सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है एम्प्लॉईज टेबल के अंदर, उससे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वैल निकाल लो अपनी, जो नेक्स्ट वैल्यू है इस वक्त, जैसे ऑटो इंक्रीमेंट का फंक्शन नहीं पता मैम, वो बच्चे? तो मैं नहीं, ठीक है मैम, ये पूरा फंक्शन है एक या सिर्फ नेक्स्ट वैल? एम्प्लॉईज अंडरस्कोर सीक्वेंस एक सीक्वेंस है, डॉट नेक्स्ट वैल उसका फंक्शन है जो उस पर कॉल किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपके पास एम्प्लॉई ID 200 में भी इंसर्ट हुआ हुआ है तो अगली दफ़ा जब आप इंटर करेंगे तो वो 204 इंटर कर देगा, फिर अगली दफ़ा दोबारा इंसर्ट करने क्वेश्चन वो खुद ब खुद यहाँ पे 205 लिख देगा, ठीक है। एम्प्लॉई अंडरस्कोर सीक्वेंस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसकी नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करने के लिए कह रहा है। मैम, जैसे वो हम नेक्स्ट नोड पे आने के लिए डॉट नेक्स्ट का ऑपरेटर करते थे, तो वो फंक्शन खुद बनाते भी तो थे ना, यस मैम। ठीक है, तो इसी तरीके से ये फंक्शन बना हुआ है। आपने बताया उसे कि आपने कितने का इंक्रीमेंट लेना है, नेक्स्ट वाल क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है। सीक्वेंसेस अगर हमारे पास वक्त हुआ तो हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे, वरना आप खुद मैनुअली भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। को एक छोर पे करना हो तो हम नेक्स्ट पैर +1 या +2 लिख सकते हैं। नहीं, ये जब आप सीक्वेंस बनाएंगे ना एम्प्लॉईज अंडरस्कोर SEQ, ये बना बनाया नहीं है, ये खुद बनाया गया है अच्छा, ये उस फंक्शन खुद बनाते हैं जी। पहले? जब सीक्वेंस आप खुद बनाएंगे तो उसमें आप डिफाइन करते हैं कि आपने उसके क्या इंक्रीमेंट की वैल्यू रखनी है, ठीक। तो फिर जब आप ओके नेक्स्ट मैम, वैल्यू कहते हैं तो हो सकता है वो एक रखा हो आपने तो आगे एक चला जाए, इन केस आपने बनाते हुए दो इंक्रीमेंट कहा था तो दो दो इंक्रीमेंट लेके आगे जाएगा। अच्छा, अब बाकी ऐसा हो सकता है, एरर क्या आएगा, आपने डेटा टाइप गलत दे दी है, ठीक है। जैसे देखें उसने कहा था कि लास्ट नेम सॉरी फर्स्ट नेम की जगह पे स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप की वैल्यू आनी चाहिए, उसने एज इट इज़ लिख दी है, ठीक है। इस तरीके के फजूल एरर्स भी यानी आपके मैनुअल इंटरिंग के टाइम पे हो सकते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ कॉलम्स इंसर्शन के टाइम पे, सादी सी बात है, अगर आपने नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ कम लिखे हैं या यहाँ ज़्यादा लिखे हैं, यहाँ कम कर दिए हैं या वहाँ कम लिखे हैं और यहाँ ज़्यादा लिख दिए हैं, दोनों केसेस में आपके पास एरर आएगा। इसी तरीके से आप नॉट नल की कंस्ट्रेंट अगर लगी हुई है, जैसे देखें इसके अंदर ईमेल हाइड्रेट एम्प्लॉईज डल गया, आपने दोनों नाम डाल दिए, ईमेल डाल दिया है, हायर डेट डाल दी है और सैलरी भी डाल दी है, कौन सा रह गया? अच्छा, इन केस आपने नल वैल्यू डालने की कोशिश की जॉब आईडी के अंदर, हाँ जॉब आईडी का कॉलम देखें यहाँ पे, ये नल नॉट नल की कंस्ट्रेंट इस पे लगी हुई है, आपने जॉब आईडी के कॉलम के अंदर जब कोई वैल्यू डाली ही नहीं है तो इसका मतलब है कि नल वैल्यू डालने की कोशिश की आपने, अब जॉब आईडी के ऊपर तो कंस्ट्रेंट है नॉट नल की, इस वजह से एरर आ रहा है कि ये उसमें नल वाली क्यों डाल। चलो बच्चे, मेरे ख्याल से यहाँ तक काफी है।